ओके फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस चैनल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अब आगे जो है क्लासिक्स एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, पार्ट सेकंड। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिन बताया था कि पौधे फूड मटेरियल के बारे में कि कहाँ से फूड आता है ना, हमें भोजन की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। ठीक है, मतलब कि एनर्जी इसलिए ताकि हम कोई भी कार्य कर सके। ठीक है, तो मेन प्रोसेस हमारा ये है कि आखिर में फूड कहाँ से आता है, कैसे आता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम खेती करते हैं या फिर जो भी अनाज उगाते हैं, ठीक है, उस अनाज को हम क्या करते हैं कि मतलब कि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली कुछ बना के और हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर अपने आप के शरीर में एनर्जी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होती है पूरी। तो हम इसी क्रम में आगे क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि कार्निवोरस प्लांट, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस के बारे में। ठीक है, प्लांट्स के बारे में नहीं, सॉरी एनिमल्स के बारे में। ठीक है, मतलब कि कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होते हैं और हर्बीवोरस क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था हर्बीवोरस के बारे में। हर्बीवोरस क्या होते हैं, शाकाहारी, जो साग सब्जी फल फूल है ना, अनाज वगैरह खाते हैं। ठीक है, जनरली बेसिकली हमको इतना ही जानना है क्या होते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी मीन्स जो फल फूल साग सब्जी दूध दही ये खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, कार्निवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ये ऐसे जीव जंतु होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं। ठीक है, जानवर मीन्स ह्यूमन बींग बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो इसमें क्या होता है कि वो जीव जंतु, ये बोलते हैं हम मनुष्य क्या बोल सकते हैं कि जो मांस खाते हैं, मीन्स फ्लैश ऑफ मिल्क मीट, मीट कह सकते हैं, मीट एग है ना, मटन वगैरह, मतलब जो मांसाहारी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, जो मांस खाते हैं। ठीक है ना, जिसमें एनिमल जैसे कि बियर भी होता है, बालू होता है, सेर होता है, ये सब भी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़े क्या ओमनीवोरस के बारे में। ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस वो जीव जंतु होते हैं जो दोनों खाते हैं, मीन्स सर्वाहारी होते हैं। फर्स्ट क्या है, शाकाहारी है ना, सेकेंड मांसाहारी, सेकेंड मांसाहारी, थर्ड सर्वाहारी है ना, थर्ड सर्वाहारी। सर्वाहारी मीन्स जो सब कुछ खाता है, मांस भी खाएगा, फल भी खाएगा, फूल भी खाएगा, दूध सब्जी सब कुछ खाएगा, उसे क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस सर्वाहारी। ठीक है, तो इस सर्वाहारी भी क्या होते हैं कि कुछ जानवर होते हैं जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं। ठीक है ना, उस हम ह्यूमन बींग्स है, हम खुद क्या करते हैं कि मांस भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, फूल सब्जी वगैरह। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये बात। ठीक है, आगे जो हम टॉपिक देखेंगे, जैसे कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपना मतलब कि खाना बनाने के लिए, मतलब खाना हम ये नहीं खा सकते हैं, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े की बात करते हैं, जैसे मधुमक्खी की बात करते हैं ना, तो मधुमक्खी क्या करती है, जब वो अपना खाना बनाती है, पकाती है, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधे या फिर कोई भी जीव जंतु क्या होता है कि अपने जीवन के लिए वो कुछ अपना फूड प्रोडक्ट बनाया जाता है कि वो जीवित हो सके। ठीक है ना, मतलब जीवित रह सके। तो क्या होता है कि मधुमक्खी छत्ता लगाती है ना, जाली का पेड़ के ऊपर, और इस छत्ते में क्या होता है कि पूरे शहद की स्टोर करके रखती, शहद की स्टोर करके रखी रहती है, और मतलब कि शहद को ही वो चूसती है, खाती है, पीती है। ठीक है, और ग्रोथ करती है। ये शहद आता कहां से, ये नेक्टर से कलेक्ट करते हैं, मीन्स किसी फूल से, फूल का रस चूसेगी। ठीक है, किसी पौधे पेड़ की डाली का रस चूसेगी जो बहुत मुलायम होती है, और उन सबको ले जाके अपने पूरे छत्ते में स्टोर करके, और जब उसे जरूरत पड़ती है, जब भूख लगती है, ठीक है, उसे खाने के लिए पीती है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपने फूड मटेरियल के लिए करते हैं कि जगह जगह घूमते फिरते हैं, जैसे गिलहरी की बात करते हैं, तो गिलहरी क्या करती है कि पके हुए फलों को है ना, फिर अनाज, इन सब चीजों को स्टोर करती है या फिर खाती पीती रहती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो अपने मतलब कि जिंदा रहने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए ऐसे तमाम तरह की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है,
इनमें भी कैटेगरिया होती है, कुछ क्या होते हैं कि मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं और कुछ क्या होते हैं कि शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो हमारे इस लेसन में बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, ओके, अब चलते एक्सरसाइज पर। ठीक है, क्या एक्सरसाइजेस हैं उनको देखते हैं। ओके, देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। मीन्स क्या हम ये सब हम जानते हैं जितने भी जीवधारी होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, क्या सबको एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? आप लोग बताइए पहले। तो जी नहीं, सबको एक जैसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं सभी क्या होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं मतलब कि जीवधारी होते हैं जिन्हें शाकाहारी, जैसे मैंने आपको बताया केवल वो साग सब्जी फल खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं। ठीक है, तो वही देखिए लिखा गया, ऑल लिविंग बींग डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, सम एनिमल ईट ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, व्हाइल सम एनिमल ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट। अभी क्यों होता है मैंने आपको पता है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं मतलब कि पौधों के प्रोडक्ट्स खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं एक मीट। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वे उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका हैबिटेट होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग तरह के फूड मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चन का आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं फिर से। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। हमें पांच पौधों को बताना है और उनके भाग को बताना है जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लांट्स मैंने दो चार दो कॉलम बनाया, एक फर्स्ट कॉलम में प्लांट्स लिखा, सेकेंड कॉलम में पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्लांट्स पार्ट। ठीक है, तो बनाना, बनाना का हम क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। ठीक है, पोटैटो, पोटैटो का हम लोग स्टीम तना खाते हैं। मेथी, मेथी का हम लोग पत्ता खाते हैं लीव्स। ठीक है, पपाया फ्रूट, मस्टर्ड सरसों, सरसों का जनरली सीड्स होता है तो हम सीड्स क्या करते हैं पिराई करा के और उसका हम लोग तेल मतलब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, खाना पकाने के लिए, तो मस्टर्ड का सीड्स ऑयल। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेकेंड और उसका आंसर पटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए इन दैट इन कॉलम बी। ठीक है, करना क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी मतलब जो कॉलम ए में दिया गया है इसका मिलान सही करना है कॉलम बी से। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्या दिया है, घी पनीर कर्ड मीट। अब इसमें समझ लीजिए करना क्या है, यहाँ पर आपको इसमें बताना है कि इसका संबंध किसमें से है ना, मतलब कौन से प्रोडक्ट है। आप देखिए फर्स्ट, ईच ईट अदर एनिमल गलत हो जाएगा। ठीक है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट ये भी गलत हो जाएगा, आर वेजिटेबल ये भी गलत हो जाएगा, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट घी पनीर कर्ड मिल्क ये सब जानते हैं कि हमें गाय के दूध से भैंस के दूध से मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप देखिए, कॉलीफ्लावर स्पिनेच कैरट। ठीक है, कॉलीफ्लावर स्पिनेच कैरट ये क्या है कि पत्ते है ना, देखिए क्या कह दिया गया है इसमें, सेकेंड का सी आर वेजिटेबल। ठीक है,
टाइगर एंड लायंस, टाइगर एंड लायंस देखिए कहीं, ईट अदर एनिमल, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड हमारा हो चुका है, बचा क्या है, दूठे और, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे हम टाइगर एंड लायंस क्या हो जाएगा, ईट अदर एनिमल्स, ठीक है। लास्ट क्या है, हर्बीवर्स। तो हर्बीवर्स क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, ठीक है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे क्वेश्चन फोर क्या है, फोर क्या है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिलिंग करना है, ठीक है ना, जो सही यहां पर मैंने आपको दे दिया, पहले ऑप्शन दे दिया हर्बीवोरस प्लांट्स विद शुगर केन कार्निवोरस, ठीक है। तो जो सही यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, लाइन दिया गया, जो सही लगेगा उसको हम भरेंगे सही, ठीक है। टाइगर इज डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, टाइगर क्या है, देखिए हर्बीवोरस है, प्लांट मीट शुगर केन कार्निवोरस, क्या बोलेंगे आप, टाइगर क्या है, कार्निवोरस, कार्निवोर है ना, मतलब मांसाहारी है। सेकेंड, डियर ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट सो इट इज कार्न, डियर केवल प्लांट्स प्रोडक्ट खाता है, इसलिए डियर क्या है, देखिए ऑप्शन में हर्बीवोरस, क्या बोलेंगे हम, हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस, डियर क्या है, हर्बीवोरस। थर्ड क्या है, पैरट Eat only डैश products. Parrot क्या खाता है, Herbivorous, plants, milk, sugar cane, carnivore. तो क्या होगा इसमें, Plant हो जाएगा, C का plant, चलेगा plant. Plant products, ठीक है। तो पैरट ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट, केवल तोता केवल पौधों के प्रोडक्ट्स खाता है, मतलब कि फल वगैरह खाएगा। डी क्या है, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, डैश मीन्स कह रहा है कि एक ऐसा मतलब डैश जो हम पीते हैं आता है गाय भैंस और बकरी से, वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, कौन सा इसमें ऑप्शन है, हर्बीवोरस प्लांट, तो हम क्या पीते हैं, गाय और भैंस से दूध पीते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिल्क, एम आई एल के, ठीक है। एंड द लास्ट, वी गेट सुगर फ्रॉम डैश, ये तो क्वेश्चन सबसे नॉर्मल है, ठीक है ना, और ये आप होमवर्क से करिए, ठीक है ना, मैं इसे नहीं बताऊंगा, और आपको होमवर्क करके लेना है कि वी गेट सुगर फ्रॉम डैश, हम सुगर कहां से पाते हैं, तो चीनी हम किस चीज से पाते हैं वो आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये सोच रहे हैं कि फिर स्कूल खुलेंगे तो सर शुरू से पढ़ाएंगे, तो ये गलत फहमी उनकी है, ठीक है, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो मैंने जहां से पढ़ाया, फिर जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जहां से पढ़ाया जा रहा है उसके आगे ही पढ़ाया जाएगा। और अगर बीच में एग्जामिनेशन हो रही है स्कूल खुलने के बाद, तो एग्जामिनेशन वैसे ही होंगे जैसे कि रेगुलर आपको होते रहते हैं, और जो पढ़ा दिया गया है वो फिर दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सभी क्लास के स्टूडेंट्स, आपको जो पढ़ाया जा रहा है रेगुलर उसे पढ़ते रहिए, अपडेट होते रहिए, रोज मतलब कि वीडियोस देखिए, है ना। और अगर जहां आपको कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है ना, तो वो परेशानी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें ये दिक्कत है, आप हमें फिर से बताइए, ठीक है, आप नोट करिए, ठीक है। देखिए ओके, ठीक है, आप लोग वीडियो को जूम मतलब कि पॉज करके और उसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सभी लोग वीडियो को देखते रहिए और अपना काम समय पर करते रहिए, ठीक है, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।